आज से लगभग 400 साल पहले एक विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी इंग्लैंड की थी और इंग्लैंड के राजा ने भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को चार्टर दिया था। तो इंग्लैंड के राजा से चार्टर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। उस समय इस देश में मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन चला करता था। इस कंपनी के अधिकारियों ने अपना सबसे पहला व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए सूरत में कुछ जमीन ली थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सूरत में कुछ जमीन जागीर में देकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र खुलवा दिया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र खोला है, व्यापार के बहाने, उद्योग के बहाने इस देश में कदम रखा है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिन सारे देश को गुलाम बनाएगी। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र खुला, उसका व्यापार शुरू हुआ। व्यापार बढ़ते बढ़ते सारे सूरत में फैला। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के बाजार पर कब्जा किया और सूरत के बाजार पर कब्जा करने के बाद एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे सूरत पर ही कब्जा कर लिया। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत पे कब्जा किया, ठीक उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के, भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र खोले और उन पर कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम सूरत में किया था कब्जा करने का, व्यापार के बहाने से कब्जा करने का, बाजार के बहाने से देश पर कब्जा करने का, वही काम उसने मद्रास में किया, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम हिंदुस्तान के तमाम शहरों में किया। धीरे धीरे सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र खुलते गए और जिन जिन शहरों में, जिन जिन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र खुले, वो सारे के सारे स्थान हिंदुस्तान के थे, हमारे थे वो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते चले गए। 150 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के बहाने साम्राज्य इस देश में बनने लगा। 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति व्यापार के बहाने इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा मान लिया और घोषित भी किया कि अब सारे देश पर करीब करीब उनका कब्जा हो गया। 1757 से 1815 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश की जमकर लूट की। ईस्ट इंडिया कंपनी घोषित रूप से आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत की संपत्ति की लूट करने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा सामान बेचने वाला देश था, दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था। इस देश में संपत्ति बहुत थी, इस देश में पैसा बहुत था, इस देश में पूंजी बहुत थी। ये बात अंग्रेजों को मालूम थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने वो इस देश की संपत्ति को लूटने के लिए आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र के खोलने के पीछे अंग्रेजों की मंशा यही थी कि धीरे धीरे सारे देश की संपत्ति पर कब्जा करना, और वो उन्होंने किया। तमाम जगह के छोटे छोटे राजा महाराजाओं पर अपनी दोस्ती का बहाना, अपने समझौते के बहाने से वहां कब्जा किया, उनकी संपत्ति अंग्रेजों के पास गई। तमाम दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेजों ने, जहां पर समझौते नहीं हो सकते थे, जहां पर स्थानीय व्यवस्थाएं बहुत मजबूत थी, स्थानीय लोग बहुत मजबूत थे, वहां पर अंग्रेजों ने उनको दंड देकर, उनको प्रताड़ित करके, उनको मारकर, उनको पीटकर अपनी व्यवस्था में लाने का काम किया। अपने कानून, तथाकथित कानून के द्वारा लोगों को प्रताड़ित करके वहां की संपत्ति लूटने का काम किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 वर्ष में 17वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर 1760 के आसपास तक सारे देश में व्यापारिक केंद्र खोलकर कब्जा किया और उसके बाद इस देश की एक नियमित लूट शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में आई थी तो मात्र 50,000 पाउंड का संपत्ति लेकर, पूंजी लेकर इस देश में वो घुसी थी। 50,000 पाउंड की संपत्ति से इस देश में व्यापार शुरू करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1815 के बीच में हिंदुस्तान से लगभग 1500 करोड़ रुपए की पूंजी इंग्लैंड भेजी।
माने प्लासी के युद्ध से वाटरलू के बीच में, वाटरलू का जो युद्ध हुआ उस 1757 से 1815 के समय के बीच में, इस देश की 1500 करोड़ रुपए की पूंजी इंग्लैंड पहुंच गई ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट के बहाने। और बाद में औसतन जो हिसाब लगता है बैठता है वो ये है कि हर वर्ष लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की संपत्ति हिंदुस्तान से, भारत से इंग्लैंड जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारा जो इस देश में किया वो सब खुले व्यापार की नीति के तहत, मुक्त व्यापार की नीति के तहत, मुक्त बाजार की नीति के तहत किया। इस देश को लूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए। अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड में तरह तरह के कानून बनाती थी और उन कानूनों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट के नए नए तरीके मिलते थे। जैसे उदाहरण के लिए 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की संसद ने, इंग्लैंड की संसद ने, अंग्रेजों की संसद ने एक चार्टर ऑफ फ्री ट्रेड पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20-20 साल में चार्टर दिए जाते थे, तो ऐसे ही 20-20 साल के चार्टरों के मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में अपने लूट को, अपने साम्राज्य को पुख्ता करती थी, मजबूत करती थी। ऐसा ही एक चार्टर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरफ से, और 1813 का जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो सारा का सारा चार्टर फ्री ट्रेड के नाम पर था, मुक्त व्यापार के नाम पर था। ऐसा ही एक चार्टर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरफ से, और 1813 का जो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो सारा का सारा चार्टर फ्री ट्रेड के नाम पर था, मुक्त व्यापार के नाम पर था। उस 1813 के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के नए अधिकार मिल गए, और उन सारी सुविधाओं और अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को और ज्यादा लूटने में इस्तेमाल किया। तो 1757 से 1815 तक की जो लूट है उससे कई गुना ज्यादा लूट फिर 1813 के बाद इस देश में शुरू हुई, और उस लूट का नतीजा ये था कि जो देश 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था, बहुत संपत्ति वाला देश था, बहुत संपन्न देश था, बहुत समृद्ध देश था, वो देश 1890 तक आते आते एक भिखारी देश में बदल गया। 1813 में जो चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस चार्टर के परिणाम ये हुए कि इस देश के अच्छे वस्त्र उद्योग को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इस देश की तमाम दूसरी व्यापारिक संस्थाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रौंद दिया। इस देश के तमाम दूसरे वस्त्र उद्योग के अलावा जो दूसरे बहुत संपन्न उद्योग थे उनको भी खूब जमकर इस देश में उन्होंने तोड़ा। इस देश की पूरी व्यापारिक और औद्योगिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से तोड़ दिया, अपने हिसाब से व्यवस्थित किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, सारे देश की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी पैसे की लूट के लिए। तो 1813 से 1890 के बीच जो लूट हुई वो 1815 से 1757 के बीच की लूट से कई गुना ज्यादा लूट थी, और इसी लूट का पैसा जब इंग्लैंड पहुंचा, लंदन पहुंचा, अंग्रेजों के पास पहुंचा, तो उसी पैसे से कहा जाता है कि इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति की। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि अगर भारतवर्ष की लूट ना हुई होती, अंग्रेजों ने भारतवर्ष को ना लूटा होता, तो शायद कभी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो नहीं पाती। तो अंग्रेज आए थे इस देश में लूट के लिए, अंग्रेज आए थे इस देश में संपत्ति ले जाने के लिए, और यह सही बात है कि 14वीं 15वीं शताब्दी तक इंग्लैंड दुनिया में बहुत संपन्न देश नहीं माना जाता था, बहुत गरीब देश था, बहुत पैसा नहीं था, कुछ खास नहीं था उनके पास। तो वो सारी की सारी संपत्ति जो हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से इंग्लैंड गई, उसी संपत्ति ने इंग्लैंड को समृद्धशाली बनाया, उसी संपत्ति से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, उसी संपत्ति से उन्होंने टेक्नोलॉजी की दिशा में कुछ नए कदम रखे। तो एक तरफ भारतवर्ष बर्बाद हो रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड में वैभव बन रहा था। एक तरफ भारत गरीब हो रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड में संपन्नता बढ़ रही थी। तो भारत के गरीब होने की और इंग्लैंड के संपन्न होने की कहानी को अंजाम देने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। भारत को गरीब बनाने का काम, इंग्लैंड को अमीर बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, और यह सारा का सारा देश के लोगों को धोखे में रखकर मुक्त व्यापार के नाम पर इस देश के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ।
किसी तरह इस देश में जब लोगों को समझ में आने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार के बहाने लूट रही है, इस देश को गुलाम बना रही है, और 1858 में तो अंग्रेजों की बाकायदा सरकार यहां चलने लगी थी इस देश में, 1857 तक इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, फिर 1858 से इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बदल कर सीधे अंग्रेजों का शासन इस देश में स्थापित हो गया, तब इस देश के लोगों को अंदाजा लगने लगा कि ये अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने नहीं आई है, इस देश को लूटने के लिए आई है। और उस लूट के खिलाफ इस देश के लोग संगठित होने लगे, उनमें चेतना आने लगी। जब देश के लोगों में चेतना आई, अंग्रेजों के खिलाफ लोग संगठित हुए, तो इस देश में एक बहुत बड़ा स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ। 1857 में उसकी शुरुआत हुई। हालांकि यह स्वाधीनता संग्राम छिटपुट तरीके से सारे देश में उसके पहले भी चलता रहा। जहां जहां लोगों की शक्ति थी, क्षमता थी, लोग लड़ते थे, और जहां संभव होता था वहां अंग्रेजों को पीट भी लेते थे, अंग्रेजों को मार भी लेते थे। लेकिन 1857 से सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की एक आवाज शुरू हो गई, और उस बगावत के बढ़ते बढ़ते कदम 1890 तक और मजबूत हुए। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बाकायदा इस देश में स्वदेशी आंदोलन चला। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, उसके विरोध में सारे देश में स्वदेशी का आंदोलन चला, और उस स्वदेशी के आंदोलन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि 1911 में आकर अंग्रेजी सरकार को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं जो घटना 1911 में इस देश में घटित हुई कि पहले बंगाल का विभाजन किया और उसके बाद बंगाल का विभाजन वापस हुआ। इसी स्वदेशी आंदोलन ने सारे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इस देश के महान नेताओं ने, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के पहले दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की श्रेणी के और दूसरे तमाम महान विभूतियां इस देश में जब लगी आंदोलन के क्षेत्र में, तो इस देश के लोग संगठित होने लगे। इसी के साथ साथ इस देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पुरुषों की, महिलाओं की टोलियां भी इस देश में आजादी के लिए सक्रिय होती रहीं और समय समय पर अपने योगदान करती रहीं। 1947 में यह देश आजाद हुआ एक लंबी लड़ाई के बाद। 90 साल की लड़ाई 1857 से 1947 तक इस देश में लगातार लड़ी गई। उसके पहले भी लड़ाई चलती रही, लेकिन 1857 से 1947 का समय तो बहुत महत्वपूर्ण रहा इस देश की आजादी के इतिहास में। 1947 में हम आजाद हुए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन आज बहुत दुख है और दुर्भाग्य है हम सबका कि आजादी के 50 साल बीतने के बाद फिर से इस देश में हजारों विदेशी कंपनियां आ गई। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इस देश में व्यापार करने, उसने इस देश को 250 वर्षों तक खूब जमकर लूटा, एक अच्छे खासे संपन्न समृद्ध देश को भिखारी और गरीब देश में बदल दिया। अब 4000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस देश में आ गई हैं लूटने के लिए। सन 1991 के बाद से एक नया नारा इस देश में दिया गया है, उदारीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का। इस उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद तो विदेशी कंपनियों के आने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 1991 से पहले, 1947 से 1991 के बीच में जितनी विदेशी कंपनियां इस देश में नहीं आई, उससे ज्यादा विदेशी कंपनियां 1991 से 1996 के बीच में आ चुकी हैं। हजारों हजार विदेशी कंपनियों के साथ समझौते हो रहे हैं। इस देश में ऐसा लगता है कि सारा का सारा राजनीतिक तंत्र विदेशी कंपनियों के लिए पलक पांवड़े बिछाकर काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री बनता है, वित्त मंत्री बनता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो सबसे पहला काम वो ये करता है विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए। या तो विदेश जाता है, या तो हिंदुस्तान में ही बयान देकर, भारतवर्ष में ही बयान देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहता है कि विदेशी कंपनियों का इस देश में खुला स्वागत है। इस देश को लूट की खुली छूट के लिए फिर से छोड़ दिया गया है। जो गलती 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में औरंगजेब से हुई थी कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए इस देश में जगह दी, वही गलतियां आज फिर दोहराई जा रही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनियों को, ईस्ट इंडिया कंपनियों से भी ज्यादा ताकतवर दूसरी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस देश में बुलाया जा रहा है। इन विदेशी कंपनियों को बुलाने के पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। इस देश में जो विदेशी कंपनियों के समर्थक लोग हैं, इस देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थक लोग हैं, वो कुछ तर्क देते हैं। उनमें से सबसे पहला तर्क है कि विदेशी कंपनियां आएंगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी, तो देश में पूंजी आएगी।
पैसा आएगा, क्योंकि इस देश में पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है, संपत्ति की कमी है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में उच्च तकनीकी आएगी, उच्च तकनीकी आएगी उसके साथ साथ इस देश में क्वालिटी के सामान मिलेंगे। विदेशी कंपनियां आएंगी तो हाई टेक्नोलॉजी आएगी, उच्च तकनीकी आएगी, अच्छी तकनीकी आएगी तो अच्छे क्वालिटी के सामान मिलेंगे। तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में रोजगार बढ़ेगा। इस देश में बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, उसके कारण से गरीबी भी बहुत है। तो तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि जब विदेशी कंपनियां आएंगी तो इस देश में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। और चौथा तर्क यह दिया जाता है कि चूंकि विदेशी कंपनियां हमेशा उच्च तकनीकी लेके आती हैं, क्वालिटी के सामान बनाती हैं, इसलिए इस देश का निर्यात भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इन चारों तर्कों को देखना चाहिए। भारत के तमाम शोध संस्थानों द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, भारत सरकार के तमाम मंत्रियों द्वारा समय समय पर संसद में दिए गए जवाबों के आधार पर ये बातें पता चलती हैं कि विदेशी कंपनियां या विदेशी कंपनियों को जिन तर्कों के लिए बुलाया जाता है वो उससे बहुत दूर है। अभी हाल में उदाहरण के लिए पार्लियामेंट में, संसद में एक सवाल पूछा गया कि विदेशी कंपनियों के माध्यम से पिछले 5-6 वर्षों में कितनी पूंजी आई है इस देश में, जब से उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां हुई हैं, विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं, तब से इस देश में कितनी विदेशी पूंजी आई है, यह सवाल संसद में पूछा गया। और संसद में पूछे गए इस सवाल का जवाब जब सरकार के मंत्री द्वारा दिया गया तो भारत सरकार के मंत्री के दिए हुए जवाब के आधार पर जो आंकड़ा मिला वो ये था कि जुलाई 1991 से लेकर नवंबर 1996 तक इस देश में विदेशी कंपनियों के माध्यम से 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। लेकिन इन 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों में से वास्तव में कितने प्रस्ताव लागू हो पाए, मतलब कि जितनी पूंजी के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव पारित हुए हैं क्या वो सारी की सारी पूंजी इस देश में आ गई है, तो जवाब उसका मिलता है नहीं। हमेशा ये होता है कि जितने प्रस्ताव पारित होते हैं, स्वीकृत होते हैं, भारत सरकार जितने प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितने साइन किए जाते हैं, उससे बहुत कम पूंजी हमेशा आया करती है। जो वास्तविक पूंजी इस देश में आती है वो बहुत कम होती है। तो भारत सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार जुलाई 1991 से जुलाई 1996 तक 92,556 करोड़ रुपए के विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत हुए, लेकिन इनमें से वास्तव में हमारे देश में जो विदेशी पूंजी आई है वो सिर्फ 19,469 करोड़ रुपए की है। अर्थात स्वीकृत पूंजी निवेश से आने वाली पूंजी मात्र 20% ही है। तो इससे अंदाजा लगता है कि कितना बड़ा ढोल पीटा जाता है विदेशी पूंजी के लिए, और वास्तव में आने वाली विदेशी पूंजी उससे बहुत कम होती है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितने प्रस्ताव पारित होते हैं उसकी 1/5 पूंजी ही वास्तव में इस देश में आती है। दूसरी सच्चाई एक और है कि ये जो 19,469 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी आई भी है विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों के माध्यम से, ये किस तरीके से आई है, इस पूंजी का स्वरूप क्या है, तो पता चलता है कि ये जो पूंजी है उसमें से अधिकांश पूंजी या ज्यादा पूंजी तो वित्तीय पूंजी है, और वित्तीय पूंजी वो पूंजी होती है जो शेयर बाजार में या सट्टा बाजार में लगी होती है। माने शेयर बाजार और सट्टा बाजार के माध्यम से जो पूंजी आती है वो वित्तीय पूंजी कहलाती है, और वित्तीय पूंजी से कभी भी किसी देश में ना तो उत्पादन बढ़ता है ना रोजगार पैदा होता। वित्तीय पूंजी तो शेयरों के खरीद फरोख्त में लगती है, सट्टे बाजार में, सट्टा बाजारी में लगती है। तो भारत में आई हुई जितनी विदेशी पूंजी है उसमें से चूंकि अधिकांश पूंजी वित्तीय पूंजी है, सट्टा बाजार में लगी हुई पूंजी है, शेयर बाजार में लगी हुई पूंजी है, इसलिए उस पूंजी से इस देश का कोई भला नहीं हो पाया है पिछले 5-6 वर्षों में। ना तो इस पूंजी से कोई उत्पादन बढ़ा है, ना तो इस पूंजी से कोई रोजगार पैदा हुआ है। यह पूंजी हार्ट मनी के रूप में आई है, और ये जो पूंजी हार्ट मनी होती है ये कभी एक देश में है और हो सकता है कुछ दिनों के बाद दूसरे देश में चली जाए। जिन विदेशी कंपनियों ने सट्टा बाजार में, शेयर बाजार में पूंजी लगाई है, जिन विदेशी
वित्तीय संस्थानों ने इस देश के सट्टा बाजार और शेयर बाजार में पूंजी लगाई है। अगर उनको लगे कि भारत से ज्यादा अच्छा बाजार हांगकांग का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार चीन का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार किसी दूसरे देश का है, ताइवान का है, या भारत से ज्यादा अच्छा बाजार उनको किसी और देश का लगने लगे, तो ये सारी पूंजी तुरंत जो है क्षण भर में हमारे देश के बाजार से निकलकर उन देशों के बाजार में चली जाएगी। चूंकि ये पूंजी निवेशित नहीं है उत्पादन के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, इसलिए इस पूंजी का इस देश को कोई लाभ नहीं मिलता है। तो विदेशी पूंजी के क्षेत्र में, विदेशी पूंजी के रूप में इतना बड़ा धोखा इस देश के साथ हो रहा। सरकार के ही आंकड़े ये सिद्ध करते हैं कि कोई विदेशी पूंजी आ नहीं रही है। इसके उल्टे जितनी विदेशी पूंजी आती है उससे कई गुना ज्यादा पूंजी देश के बाहर चली जाती है। सरकार के रिजर्व बैंक के ही आंकड़ों के अनुसार सन 1981 से सन 1989 के बीच में भारत में कुल विदेशी पूंजी निवेश हुआ 11,453 करोड़ रुपए का, जबकि इसी अवधि में माने सन 1981 से 1989 के बीच में जो पूंजी भारत से बाहर चली गई वो है 13,930 करोड़ रुपए का। इसका माने है कि 11,453 करोड़ रुपए की पूंजी आई और 13,930 करोड़ रुपए की पूंजी डॉलर के रूप में इस देश से बाहर चली गई। इसी तरह जुलाई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में जो विदेशी पूंजी भारत में आई 19,469 करोड़ रुपए की है, जबकि इसी दौर में लगभग 34,240 करोड़ रुपए की पूंजी डॉलर के रूप में भारतवर्ष से बाहर चली गई। जुलाई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए उन प्रस्ताव के स्वीकृति का मात्र 20% पूंजी आई, लेकिन जो 20% पूंजी आई भी उस 20% पूंजी की वजह से हिंदुस्तान से बाहर जाने वाली पूंजी उससे लगभग दोगुनी है। 19,469 करोड़ रुपए की पूंजी आई 1991 से नवंबर 1996 के बीच में और 34,240 करोड़ रुपए की पूंजी इस देश के बाहर चली गई। तो विदेशी पूंजी के इतने बड़े धोखे में इस देश को जो है विदेशी कंपनियों की लूट के लिए खोल दिया गया है। दुनिया भर में भी यही स्थिति है। विदेशी कंपनियां दुनिया के जिन देशों में जाती हैं वहां बहुत कम पूंजी लेकर जाती हैं, और उन देशों से जितनी ले जाने वाली पूंजी है विदेशी कंपनियों द्वारा वो कई गुना ज्यादा होती है। हमारे देश में भी विदेशी कंपनियों के कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं जो पूंजी लेकर आती हैं इस देश में और कितनी पूंजी ले जाती हैं। सामान्यतः हर विदेशी कंपनी जितनी पूंजी लेकर आती है उससे 3 गुना ज्यादा पूंजी वो पहले ही वर्ष में कमाकर इस देश से ले जाती है। वास्तव में क्या होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी जब इस देश में व्यापार करने के लिए आती है तो जो इनिशियल पेडअप कैपिटल होता है, शुरुआती दौर की जो पूंजी होती है, व्यापार शुरू करने के लिए जितनी पूंजी वो लगाते हैं वो कुल पूंजी का मात्र 5% ही होती है। तो इनिशियल पेडअप कैपिटल, शुरुआती दौर की जो चुकता पूंजी है, वो उनकी कुल पूंजी का 5% ही होती है। बाकी की 95% पूंजी ये विदेशी कंपनियां हमारे देश से ही कमाती हैं, उठाती हैं। जैसे वो शेयर बाजार में अपने शेयर्स फ्लोट करती हैं, वो शेयर बाजार के माध्यम से अपने डिबेंचर्स फ्लोट करती हैं, डिबेंचर्स उनके बाजार में बिकते हैं, शेयर्स उनके बाजार में बिकते हैं। हमारे ही देश के वित्तीय संस्थानों से कर्जा लेती हैं, हमारे ही सरकार के दूसरे विभागों से कर्ज लेती हैं। तो अपने देश से लाने वाली पूंजी उनकी मात्र 5% होती है और 95% पूंजी वो हमारे ही देश से लेती। तो वास्तव में बाहर से आने वाली पूंजी कुल पूंजी की तुलना में बहुत कम होती है। और जबकि ये विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाना शुरू करती हैं तो अपनी लाई हुई पूंजी का कई कई गुना मुनाफा वो पहले ही वर्ष में कमा के ले जाती हैं। कुछ कंपनियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। बंबई के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान लीवर नाम की एक कंपनी है जो हॉलैंड की है, हमारे देश में सन 1933 में आई थी व्यापार करने के लिए। तो जब यह कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई सन 1933 में, उस समय इस कंपनी ने मात्र 24 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। माने इस कंपनी का हमारे देश में इनिशियल पेडअप कैपिटल, शुरुआती दौर की जो चुकता पूंजी है, वो मात्र 24 लाख रुपए की है। जबकि आज इस कंपनी ने जो कमाई की है हमारे देश से, जो मुनाफा कमाया है, उसके आधार पर जो इस कंपनी की संपत्ति बनी है वो लगभग 563 करोड़ रुपए की है।
माने मात्र 24 लाख रुपए से धंधा शुरू करने वाली हिंदुस्तान लीवर कंपनी के पास आज 563 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और ये कंपनी प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपए का मुनाफा नेट प्रॉफिट के रूप में कमाती है। पिछले साल 1995-1996 की जो बैलेंस शीट है इस कंपनी की, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसके आधार पर इस कंपनी ने 240 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। इससे अंदाजा लग सकता कि सन 1933 से यह कंपनी काम कर रही है। इसका माने इस कंपनी को हिंदुस्तान में काम करते हुए, भारत में काम करते हुए लगभग 65 वर्ष हो गए। 65 वर्ष से यह कंपनी हमारे देश में मुनाफा कमा रही है और 65 वर्ष से जो मुनाफा यह कमा कर ले गई होगी वो 24 लाख रुपए का कई हजार गुना बैठेगा अगर यह हिसाब निकाला जाए तो। क्योंकि इस कंपनी ने 24 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, अपने देश हॉलैंड से यह 24 लाख रुपए की पूंजी इस देश में लेकर आई थी और आज इसने 563 करोड़ रुपए की संपत्ति तो हमारे देश में बना ली है। तो जो संपत्ति इस देश के बाहर चली गई होगी वो कितनी होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह से अमरीका की एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये हमारे देश में सन 1937 से व्यापार कर रही है और सन 1937 में जब इस कंपनी ने हमारे देश में व्यापार शुरू किया तब इसने 150,000 रुपए की पूंजी लगाई। कॉलगेट पामोलिव की हमारे देश में इनिशियल पेड अप कैपिटल मात्र 1.5 लाख रुपए की है, 150,000 रुपए की है और आज इस कंपनी के पास 187 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 1996 की इस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट, एक साल का शुद्ध लाभ 77 करोड़ रुपए के आसपास है। माने 1.5 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली कंपनी आज 77 करोड़ रुपए का मुनाफा एक वर्ष में इस देश से कमा रही है और उनके पास 187 करोड़ की संपत्ति जमा हो चुकी है। इसी तरह से बाटा इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, यह कंपनी सन 1931 में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और 70 लाख रुपए से इस कंपनी ने व्यापार शुरू किया है। 70 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली बाटा कंपनी की आज सारे देश में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सीवा गायगी एक स्विस कंपनी है, स्विस विदेशी कंपनी है, स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है इस देश में। वो 1947 में इस देश में व्यापार करने के लिए आई और 1947 में व्यापार शुरू करने वाली इस सीवा गायगी कंपनी ने इनिशियल पेड अप कैपिटल के रूप में मात्र 48 लाख रुपए इस देश में लगाया है और 48 लाख रुपए से व्यापार शुरू करने वाली इस सीवा गायगी कंपनी के पास आज 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की भी संपत्ति है। इस कंपनी का पिछले साल का मुनाफा, 1996 का मुनाफा लगभग 23 करोड़ रुपए का है। तो 48 लाख से व्यापार शुरू किया और 23 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष यह कंपनी मुनाफा कमाती है। ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिका की कंपनी है, 1957 से इस देश में व्यापार कर रही है, 24 लाख रुपए की पूंजी इसने लगाई है और करोड़ों रुपए की पूंजी यह कंपनी इस देश से बाहर ले जा चुकी है। करोड़ों रुपए की संपत्ति इस कंपनी ने भी इस देश में बना रखी है। ऐसी एक कंपनी है हेक्स्ट, यह जर्मनी की कंपनी है, 1956 से इस देश में व्यापार कर रही है और 1956 में इस कंपनी ने 2.72 करोड़ रुपए का इनिशियल पेड अप कैपिटल लगाया है, इस देश में शुरुआती पूंजी लगाई है, लेकिन आज इस कंपनी के पास 218 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हो चुकी है। तो लगभग 2.72 करोड़ से व्यापार शुरू करने वाली हेक्स्ट कंपनी 218 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक है इस समय देश में। ऐसे ही एक कंपनी है बायर, इसने भी 1957 में व्यापार शुरू किया, 3.59 करोड़ रुपए के इनिशियल पेड अप कैपिटल से इसने व्यापार शुरू किया और आज इस कंपनी के 144 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा हो चुकी है। जर्मन रेमेडीज नाम की एक कंपनी है, 1949 में इस देश में उसने काम शुरू किया, 64 लाख रुपए के शुरुआती पूंजी से, इनिशियल पेड अप कैपिटल से, और आज इस कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। एक ताजा उदाहरण है पेप्सी कोला का, यह कंपनी अमेरिका से आई है और पेप्सी कोला ने 90 के दशक में इस देश में 40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू किया है। 40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू करने वाली पेप्सी कोला का एक साल का मुनाफा, पिछले साल का मुनाफा लगभग 240 करोड़ रुपए का। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि ये विदेशी कंपनियां बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती हैं और उससे कई गुना ज्यादा पूंजी ये हमारे देश की लेकर चली जाती है। तो वास्तव में पूंजी इन कंपनियों के द्वारा हमारे देश में आ नहीं रही है, बल्कि इन कंपनियों के द्वारा हमारी पूंजी इस देश के बाहर जा रही है। यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, मात्र 50,000 पाउंड से व्यापार शुरू किया और 60 करोड़ रुपए की पूंजी
60 करोड़ की संपत्ति वो एक साल में इस देश से बाहर ले जाती थी। औसतन 250 साल तक उसने इस देश को लूटा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हजार करोड़ रुपए की संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई होगी। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी वही काम आज ये विदेशी कंपनियां कर रही हैं। नाम मात्र की पूंजी लेकर आती हैं और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश के बाहर जा रही। ये तो उदाहरण है कुछ 8-10 कंपनियों के। वास्तव में ऐसी इस देश में 4000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी प्रतिवर्ष इन विदेशी कंपनियों के माध्यम से इस देश के बाहर जा रही है। दूसरी बात, दूसरा तर्क पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी विदेशी कंपनियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये आएंगी तो उच्च तकनीकी लेके आएंगी, ये आएंगी तो इस देश में क्वालिटी के सामान मिलेंगे, ये तर्क बहुत ही गलत है, एकदम झूठ है। कोई भी विदेशी कंपनी इस देश में बहुत उच्च तकनीकी लेके आती नहीं, माने जीरो टेक्नोलॉजी, जहां पर कोई उच्च तकनीकी की जरूरत नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों ने ज्यादा व्यापार किया। और ये पिछले 50 साल का अनुभव यही कहता, हमारे यहां कोई भी विदेशी कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आती जो टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो, माने जो टेक्नोलॉजी आज यूरोप में या अमरीका में या दुनिया के तमाम विकसित देशों में लेटेस्ट मानी जाती हो, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके कभी कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में काम करने नहीं आती। अधिकांश विदेशी कंपनियां जो इस देश में आई हैं वो क्या कर रही हैं, आलू के चिप्स बेच रही हैं, टमाटर की चटनी बेच रही हैं, चिप्स बेच रही हैं, चॉकलेट बेच रही हैं, टॉफी बेच रही हैं, डबल रोटी बनाकर बेच रही हैं, बोतल में पानी भर के बेच रही हैं, अभी तो कुछ कंपनियों ने मसाले बेचना शुरू कर दिया है, एक विदेशी कंपनी ने तो नमक बेचना शुरू कर दिया अन्नपूर्णा के नाम से। अब ये पूछा जा सकता है कि ये आलू का चिप्स, टमाटर की चटनी, आम का अचार या मसाले या बोतल में पानी भर के बेचना या चॉकलेट बेचना या बिस्किट बेचना या डबल रोटी बेचना या कॉस्मेटिक्स के आइटम, सौंदर्य प्रसाधन के आइटम बेचना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? दुनिया भर में ये सारे के सारे सामान शून्य तकनीकी के सामान माने जाते हैं, जीरो टेक्नोलॉजी के सामान माने जाते हैं। तो ज्यादा विदेशी कंपनियां तो इस देश में इसी क्षेत्र में आ रही हैं, और विदेशी कंपनियां ये जीरो टेक्नोलॉजी या शून्य तकनीकी के क्षेत्र में ही क्यों आती हैं? उसका कारण यह है कि यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुनाफे की गुंजाइश बहुत होती है, बहुत कम पूंजी से बहुत ज्यादा मुनाफा इस क्षेत्र से कमाया जा सकता है। कई बार लोगों को यह भ्रम रहता है कि ये विदेशी कंपनियां हैं जो भारी टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, ये भ्रम जो है अब टूटना ही चाहिए। कोई भी विदेशी कंपनी कभी कोई भारी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर इस देश में आती नहीं है। उसके कई बार लोगों को यह भी भ्रम होता कि ये विदेशी कंपनियां आती हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको क्वालिटी देती हैं। कोई क्वालिटी नहीं है, कई बार तो ये कंपनियां जहर बेचती हैं क्वालिटी के नाम पर। जैसे उदाहरण के लिए पेप्सी कोला या कोका कोला नाम की दो विदेशी कंपनियां इस देश में आई हैं, दोनों अमरीका से आई हैं, और ये दोनों अमरीका से आने वाली कंपनियां इस देश में क्या बेच रही हैं? इस देश में बोतल में पानी भर के बेच रही हैं सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर। ये बोतल में भर के पानी जो बेचा जाता है, ये बोतल में भरा हुआ पानी जहर है। क्यों? क्योंकि ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी कोला या कोका कोला जैसे बनते हैं, जितने ठंडे पेय पदार्थ बनते हैं पेप्सी कोला या कोका कोला के, इन सभी ठंडे पेय पदार्थों में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बीटा कैरोटीन, ऐसे तमाम खतरनाक रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे तमाम खतरनाक रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके ही पेप्सी कोला, कोका कोला जैसे ठंडे पेय पदार्थ बनते हैं। ये सभी रासायनिक पदार्थ धीमे जहर माने जाते हैं, और ये सभी ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करने वाले सामानों को मिलाकर जो पानी बेचा जा रहा है सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर, ठंडे पेय के नाम पर, वो क्वालिटी कैसे हो सकता है? दूसरी बात, शरीर विज्ञान के अनुसार हमेशा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर में से बाहर निकाली जाती है और ऑक्सीजन गैस हम सांस के द्वारा शरीर में अंदर ले जाते हैं। लेकिन ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं, जितने ठंडे पेय पदार्थ हैं, ये सबके सब कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं। इनको तकनीकी भाषा में कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है, माने कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए पानी है ये सब के सब। शरीर विज्ञान कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालना चाहिए, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना चाहिए, लेकिन जो भी लोग ये ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, वो शरीर विज्ञान का उल्टा काम करते हैं, माने कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर ले जाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है
जो आपके गले के नीचे उतरते ही आपकी नाक में सनसनी पैदा करती है, माथे में सनसनी पैदा करती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही गले में सनसनी पैदा होती है, नाक में सनसनी पैदा होती है, दिमाग में सनसनी पैदा होती है। ये क्यों होती है? ये इसलिए है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं। और जब भी शरीर में इस तरह के जहरीले पदार्थ आप डालेंगे तो शरीर की अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, और वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तहत ही शरीर मना करता है कि आप इनको मत पीजिए, लेकिन आप इनको जो है क्वालिटी प्रोडक्ट मानकर पीते हैं चले जाते हैं। तो सच्चाई तो कुछ उल्टी ही है। विदेशी कंपनियां कोई ना तो टेक्नोलॉजी लेके आती है, ना तो कोई क्वालिटी देती है। इसी से जुड़ी हुई एक बात और समझने की है कि ये पेप्सी कोला या कोका कोला जैसे ठंडे पेय पदार्थ जो बाजार में बेचे जाते हैं 7 रुपए के 8 रुपए के, ये 7-8 रुपए की बेची जाने वाली बोतल पेप्सी कोला या कोका कोला के कारखाने में जब बन के तैयार होती है तो मात्र इस बोतल के बनने पर 70 पैसे का खर्च आता। तो 70 पैसे में जो पानी बन के तैयार होता है कार्बोनेटेड वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक, वो बाजार में 7 रुपए का 8 रुपए का बिकता। इसका माने क्या है? इसका माने यह है कि बहुत कम कीमत में जो सामान बनता है वो हमारी जेब को काटकर बाजार में बेचा जाता है। 70 पैसे में बनने वाला सॉफ्ट ड्रिंक अगर 7 रुपए में बिकता है तो इसका माने बहुत साफ साफ है कि वो आपकी जेब से लगभग 70 गुना, लगभग 100 गुना ज्यादा पैसा निकालते। तो इतना पैसा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। और यही पैसा है जो 240 करोड़ रुपए के रूप में हर साल पेप्सी कोला को या कोका कोला जैसी कंपनियों को मिलता है। एक और बात इस पेप्सी कोला के बारे में बतानी बहुत जरूरी है। यह अमेरिका से आई है कंपनी, हमारे देश में ठंडे पेय के नाम पर व्यापार कर रही है। इस कंपनी ने एक बहुत खतरनाक काम इस देश में शुरू किया है। वो खतरनाक काम है, अमेरिका से प्लास्टिक का कचरा लाकर यह पेप्सी कोला कंपनी हमारे देश में डालती है। अब तक यह पेप्सी कोला कंपनी 10,000 टन से ज्यादा कचरा अमेरिका से लाकर हमारे देश में डाल चुकी है। माने जो कचरा अमेरिका में प्रतिबंधित किया जाता है, जो कचरा यूरोप के देशों में प्रतिबंधित है, जिस कचरे को वहां फेंका नहीं जा सकता, जिस कचरे को वहां डाला नहीं जा सकता, उस कचरे को लाकर पेप्सी कोला हमारे देश में डाल रहा है। और हम ये मानकर बैठे हैं कि पेप्सी कोला आया है तो इस देश में क्वालिटी लेकर आया है, या पेप्सी कोला आया है तो इस देश में टेक्नोलॉजी लेकर आया। ना तो कोई क्वालिटी है, ना तो कोई टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस देश का, आजादी के 50 साल के बाद भी भारत सरकार ये मानती है, सरकारी आंकड़े हैं इस बात के, कि इस देश में लगभग 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। हमारी आजादी के 50 साल बीतने के बाद भी इस देश के 2 लाख गांव में हम पीने का पानी नहीं दे पाए हैं। दूसरी तरफ इस देश के गांव गांव में पेप्सी कोला और कोका कोला जैसी रद्दी चीजें बिक रही है। ये आजादी का कैसा तमाशा कि हम 50 साल के बाद भी शुद्ध पीने का पानी नहीं दे सके हैं 2 लाख गांव में, लेकिन पेप्सी कोला हर गांव में मिलता है, पेप्सी कोला हर शहर में मिलता है। क्या यह नहीं हो सकता कि जितना पैसा पेप्सी कोला इस देश से कमा रही है उतने पैसे में इस देश के लिए पानी की व्यवस्था की जा सके? और हिसाब लगाइए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर 240 करोड़ रुपए जो पेप्सी कोला को हम दे रहे हैं इस देश से, उस 240 करोड़ रुपए को पेप्सी कोला को देना बंद कर दिया जाए तो सारे देश के 2 लाख गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती। तो एक तरफ देश में पीने का पानी नहीं है, दूसरी तरफ पेप्सी कोला बिक रहा है। ये कुछ गंभीर प्रश्न है जिसको हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिरकार हम जा किधर रहे। और फिर हमको यह तय करना चाहिए इस देश में कि हमको पहले पीने का पानी चाहिए या पेप्सी कोला चाहिए। और अगर महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा काम किया, महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश की आजादी का इतना बड़ा सपना देखा, उस महात्मा गांधी के सपने के अनुसार तो इस देश में पहले पीने के पानी की जरूरत है, पेप्सी कोला की इस देश को कोई जरूरत नहीं। महात्मा गांधी ने जो फॉर्मूला दिया था, जो सूत्र दिया था इस देश में, वो सूत्र तो ये है, वो कहा करते थे अक्सर कि जब भी हम कोई विकास की योजनाएं बनाएं, जब भी हम कोई नीतियां बनाएं, तो उन नीतियों और विकास की योजनाओं को हम कैसे परखें, तो उसके परखने के लिए उन्होंने सूत्र दिया था कि हर उस नीति और विकास की योजना को समाज के सबसे अंतिम आदमी की तरफ ध्यान रखकर हम कसौटी पर कसें और लगे कि उस योजना से, उस नीति से उस अंतिम आदमी को क्या फायदा होने वाला है,
तभी वो नीति इस देश में चलनी चाहिए। यह उनका दिया हुआ एक सूत्र है। और इस कसौटी पर अगर हम ये कसकर देखते हैं तो पता चलता है कि पेप्सी कोला और कोका कोला की तो इस देश को कोई जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी के दिए हुए इस फॉर्मूले के आधार पर तो गांव गांव को पीने का पानी मिलना चाहिए, लेकिन गांव गांव में यह पेप्सी कोला बिक रहा है और 240 करोड़ रुपए देश के खून पसीने की कमाई का हम विदेशी कंपनी को दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो इस देश में मंजन बेचती हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, और अक्सर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि इन टूथपेस्टों में या टूथ पाउडर में कोई बड़ी भारी क्वालिटी है, कोई बड़ी भारी हाई टेक्नोलॉजी है। सच्चाई यह है कि ये टूथपेस्ट भी जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम होते हैं, शून्य तकनीकी के आइटम होते हैं, इनमें भी कोई क्वालिटी होती नहीं है। सामान्यतः सारे के सारे टूथपेस्ट जो बनते हैं वो डाई कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। और डाई कैल्शियम फॉस्फेट कहां से आता है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट मरे हुए जानवरों के हड्डियों में से निकाला जाता है। तो मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से जो निकाला जाता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, उससे कोई टूथपेस्ट बनता है। और सवेरे ही सवेरे उठकर हम अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं कि सांस की बदबू दूर होती है। इससे बड़ा भ्रम तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ा भ्रम है, टेक्नोलॉजी का भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्वालिटी का भ्रम है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट अगर जानवरों की हड्डियों के चूरे से निकल रहा है तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी होगी नहीं, उसमें कोई क्वालिटी होने वाली नहीं। दूसरा, ये जितने टूथपेस्ट होते हैं इन सभी में सिंथेटिक डिटर्जेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। और सिंथेटिक डिटर्जेंट किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? झाग पैदा करने के लिए। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट झाग पैदा करने के लिए शेविंग क्रीम में इस्तेमाल किया जाता है, वही सिंथेटिक डिटर्जेंट टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। शेविंग क्रीम का फॉर्मूला और टूथपेस्ट का फॉर्मूला करीब करीब एक ही है। लोगों को बहुत भ्रम है कि जितना ज्यादा झाग पैदा होगा उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट है, तो ये तो ठीक उल्टी बात है। जितना ज्यादा झाग पैदा होगा इसका माने उतना ही ज्यादा सिंथेटिक डिटर्जेंट उसमें है, और सिंथेटिक डिटर्जेंट तो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता, त्वचा के लिए भी बहुत हानिकारक होता। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट और ऊपर से प्लास्टिक का ब्रश, दुनिया के सारे बड़े डेंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि प्लास्टिक के जो ब्रश होते हैं, नया नया प्लास्टिक का ब्रश अगर आप खरीद कर लाएं और उस प्लास्टिक के ब्रश से आप मंजन करना शुरू करें, पेस्ट करना शुरू करें, तो 3-4 दिन के बाद उस प्लास्टिक के ब्रश में तमाम तरह के कीटाणु पैदा हो जाते और चाहे आप उसको 50 बार धोइए तो भी वो खत्म नहीं होते। और हमारे यहां तो एक एक प्लास्टिक का ब्रश जो है एक एक साल तक लोग घिसते रहते हैं, तो उनमें तो जो है पता नहीं कितने कीटाणु पैदा होते हैं। और उन कीटाणुओं से भरे हुए प्लास्टिक के ब्रश को रोज सवेरे ही सवेरे अपने अपने दांतों से रगड़ते हैं, जानवरों की हड्डियों के चूरे से निकले हुए डाई कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए मंजन को रोज अपने अपने मुंह से लगाते हैं, और हम सब इस बेवकूफी में जिंदा हैं कि हमको बहुत बड़ी और बड़ी भारी क्वालिटी मिल रही है। सच्चाई एक और भी है कि जिन देशों में सबसे ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जिन देशों में सबसे ज्यादा ये प्लास्टिक के ब्रश इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा दांतों के मरीज हैं। अमरीका में, यूरोप में दांतों के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इन देशों में अगर सबसे ज्यादा दांतों के मरीज हैं तो ये पेस्ट और टूथब्रश के ही कारण है। और उन तमाम देशों में अब इस बात की चेतना पैदा हो रही है कि टूथपेस्ट और टूथब्रश का बहिष्कार किया जाए। दुनिया के जितने बड़े अच्छे डेंटिस्ट हैं वो अब ये सलाह देने लगे हैं कि आप उंगली से मंजन करिए तो दांतों की मालिश होगी, मसूड़ों की मालिश होगी, आपके दांत पहले से ज्यादा अच्छे रहेंगे। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के अनुसार अगर आप उंगली से मंजन करते हैं तो उंगली के वो सारे बिंदु दबते हैं जो आपके शरीर की भिन्न भिन्न नाड़ियों से जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत वैज्ञानिक तरीका है उंगली से मंजन करना। लेकिन आज के इस वातावरण में, आज के इस बेवकूफी के वातावरण में बता दिया गया है कि पेस्ट और ब्रश करना ज्यादा बड़ी क्वालिटी है, उंगली से मंजन करना कुछ घटिया क्वालिटी है। सच्चाई तो उल्टी है, उंगली से मंजन करना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का काम हो सकता है, क्योंकि एक साथ उससे आपके मालिश होती है, मसूड़ों की, दांत भी सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो विदेशी कंपनियों के बारे में भ्रम है कि वो क्वालिटी लेके आती हैं, टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, ये भ्रम बिल्कुल गलत है, ये भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। लोगों को इस भ्रम से बाहर आने की जरूरत है। ऐसे ही एक तीसरा उदाहरण और दिया जा सकता है। ये सच है, सब जानते हैं कि आज से 20-25 साल पहले तक इस देश में कोई चाय नहीं पीता था, कॉफी नहीं पीता था, क्योंकि इस देश की परंपरा में, इस देश की संस्कृति में चाय और कॉफी जैसी चीजें तो बहुत रद्दी चीजें मानी जाती।
लेकिन इन विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विज्ञापनबाजी ने आज देश के घर घर में चाय पिलाना शुरू कर दिया है, कॉफी पिलाना शुरू कर दिया। विज्ञान की जानकारी के अनुसार चाय में टैनिन नाम का जहरीला पदार्थ होता है और कॉफी में कैफीन नाम का जहरीला पदार्थ होता है। तो आप जितनी बार चाय पियेंगे, जितनी बार कॉफी पियेंगे, उतनी ही बार आपके शरीर में टैनिन जाएगा, उतनी ही बार आपके शरीर में कैफीन जाएगा। और ये टैनिन और कैफीन दोनों ही कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं। अगर ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में चले जाए तो कैंसर हो सकता। तो इस देश में तो बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है चाय का विज्ञापन करके। विदेशी कंपनियां घर घर को चाय पिलाने में लगी हुई है। और उससे भी बड़ी एक और सच्चाई है कि कोई भी विदेशी कंपनी इस देश में चाय बनाती नहीं है। चाय इस देश के बागानों में पैदा होती है, यहां के मजदूर चाय पैदा करते हैं, यहां के किसान चाय पैदा करते हैं। विदेशी कंपनियां उस चाय को खरीदती हैं और वो सिर्फ अपने डिब्बे में पैक करके, अपने डिब्बे में उसको भर के हमको बेचती हैं और उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाती हैं जिस दाम पर वो चाय इस देश के किसानों से खरीदती हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम अक्सर इस देश में लोगों के मन में पाया जाता है कि विदेशी कंपनी आती हैं तो टेक्नोलॉजी लेके आती हैं या क्वालिटी लेके आती हैं। एक दो उदाहरण और दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन के सामान इस देश में बनते हैं और विदेशी कंपनियां उनको बनाती। तो सौंदर्य प्रसाधन के जितने सामान बनते हैं उन सभी सामानों के बनाने में बड़ी भारी जीव हिंसा होती है। लाखों करोड़ों बेजुबान निरीह प्राणियों को मारा जाता तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए। और उन सौंदर्य प्रसाधनों को बाजार में लाने से पहले तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट्स करने में, टेस्ट करने में, वो प्रयोग करने में लाखों करोड़ों बेजुबान प्राणी, निरीह प्राणी मारे जाते हैं। तो लाखों करोड़ों बेजुबान और निरीह प्राणियों को मारकर जो सामान बनते हैं वो सौंदर्य प्रसाधन कैसे हो सकते हैं? वो आदमी का सौंदर्य कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तरफ जिन सामानों के बनने में या बनाने में जीवों की हत्या होती हो, हिंसा होती हो, प्रकृति का नुकसान होता हो, वो सामान किसी दूसरे का सौंदर्य कैसे बढ़ा सकते हैं? और एक और बड़ी बात है उसको समझने के लिए कि कभी भी सौंदर्य प्रसाधन के सामानों को आप इस्तेमाल करके ज्यादा सुंदर हो नहीं सकते। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया, आप वैसे ही रहने वाले। आप एक नहीं, 100 सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करिए, 100 नहीं 1000 इस्तेमाल करिए, दसियों साल इस्तेमाल करिए, बीसियों साल इस्तेमाल करिए, तो भी आपका शरीर, आपकी त्वचा, आपका रंग, आपका चेहरा, आपका सब कुछ शरीर का वैसे ही रहने वाला, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भी हम बार बार इस भ्रम में क्यों पड़ते हैं कि बार बार सौंदर्य प्रसाधन खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं? फिर एक और बात है जो समझनी चाहिए, थोड़ी गहरी बात है लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, कि सौंदर्य जो है खरीदा नहीं जा सकता, वो तो प्रकृति प्रदत्त होता है। और जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, भगवान के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, उसमें कोई बढ़ोतरी होती नहीं है, कोई कर नहीं सकता। ये रोज रोज इतना बड़ा झूठ बोला जाता है, एक विदेशी कंपनी इतना बड़ा झूठ बोलती है कि वो गोरेपन की क्रीम बेचती है, फेयर एंड लवली। तो फेयर एंड लवली अगर गोरेपन की क्रीम होती तो हिंदुस्तान में जितने लोग काले हैं वो सब के सब गोरे हो गए होते। इससे तो ये माना जाना चाहिए कि जो भी फेयर एंड लवली लगाएगा वो गोरा हो जाएगा। और अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो फिर दुनिया में कोई काला नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के दक्षिण भारत में कोई काला नहीं रहना चाहिए, दक्षिणी अफ्रीका में कोई काला नहीं रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि फेयर एंड लवली आप एक नहीं 100 लगा लीजिए तो भी आपकी त्वचा का, आपके चेहरे के रंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हो सकता है जितनी देर के लिए फेयर एंड लवली लगी है थोड़ी देर के लिए आपकी त्वचा का रंग बदल जाए, लेकिन बाद में तो फिर वैसे ही होने वाला। ऐसे तमाम तरह के दूसरे सौंदर्य प्रसाधन हैं जिनका बेवकूफी भरा विज्ञापन रोज हम टेलीविजन पे देखते हैं। और चूंकि ये विज्ञापन रोज टेलीविजन पे हम देखते हैं, इसी के चलते हम बाजार में जाके उन सामानों को खरीद कर लाते हैं। ना तो उसमें कोई क्वालिटी होती है, ना तो कोई उसमें टेक्नोलॉजी होती है, बस होता है विज्ञापन। और विज्ञापन के मार्फत ये कंपनियां अपने तमाम तरह के सामान बेच लेती हैं। ऐसा ही उदाहरण दिया जा सकता है साबुन बेचने वाली कंपनियों का। तमाम तरह के साबुन इस देश में बिकते हैं। एक साबुन बिकता है जो तंदुरुस्ती की रक्षा करने वाला है, लाइफ बॉय। इस देश में कहा जाता है कि लक्स जो है फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन है। इस देश में और तमाम ऐसे साबुन बनते हैं। सच्चाई तो यह है कि ये फिल्मी सितारे साबुनों से बहुत कम नहाया करते हैं। ये तो कुछ प्राकृतिक तरीकों से, चंदन के पाउडर से या हल्दी के पाउडर से,
या उबटन बनाकर या ऐसे तमाम सामान इस्तेमाल करके उन सबसे नहाते हैं। ज्यादा फिल्मी सितारे तो साबुन इस्तेमाल करते नहीं, और अगर ज्यादा साबुन इस्तेमाल किया जाए तो त्वचा तो खराब ही हो जाती है। त्वचा की जो शाइनिंग है, त्वचा की जो चमक होती है, त्वचा के ऊपर जो मेलानिन नाम का तत्व होता है वो तो कम ही होता जाता है। ज्यादा जितना ज्यादा साबुन लगाएंगे उतना ज्यादा तो वो खत्म ही होता जाता है, इसलिए त्वचा की खराबी तो उसमें है ही। और इस देश में तो हजारों साल तक बिना साबुन के भी लोग रहते थे, और जब वो साबुन नहीं लगाते थे तो साबुन जैसा कुछ तो लगाते ही होंगे, और उनकी सुंदरता कोई कम नहीं थी। आज के समय में जो साबुन लगाने वाले लोग हैं वो कोई ज्यादा सुंदर हो गए हों जो साबुन नहीं लगाते हैं उनसे, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सुंदरता का तो भ्रम पैदा कर रही है। कोई भी विदेशी कंपनी अपने किसी भी सौंदर्य प्रसाधन के माध्यम से किसी को सुंदर बनाने का दावा करती है तो वो बहुत बड़ा झूठ है, और इन सब झूठ के खिलाफ तो इस देश में लोगों को आवाज उठानी ही चाहिए। जो लोग इस झूठ के नाम पर लूट रहे हैं, अपनी जेब कटवा रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, उनको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। उच्च तकनीकी और क्वालिटी के नाम पर इन कंपनियों के पास कुछ नहीं है सिवाय विज्ञापनबाजी के। शुद्ध रूप से इन कंपनियों के विज्ञापन बिकते हैं इस देश में, ब्रांड नेम बिकता है, और उस ब्रांड नेम को स्थापित किया जाता है विज्ञापन के द्वारा। एक एक कंपनी के एक एक सामान का दिन में 10 बार 15 बार 20 बार टेलीविजन पर विज्ञापन आता है, रेडियो पर आता है, अखबारों में आता है, पत्रिकाओं में छपता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लगा रहता है। एक ही एक विज्ञापन हम दिन में कम से कम 10 बार सुनते हैं, 10 बार देखते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है। और बचपन से 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का बच्चा टेलीविजन पर वही देखता है, वही सुनता है, बड़ा होता है वही से विज्ञापन देखकर सुनकर, तो उसको भी वो नाम याद हो जाते हैं। तो चूंकि विज्ञापन के नाम आदमी के दिमाग में बैठ जाते हैं, तो इसलिए उन विज्ञापनों के नाम के बैठ जाने के दम पर ही ये कंपनियां अपना सामान बेचती हैं। एक सच है, वो सच ऐसा है कि अगर किसी बात को, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, बार बार कहा जाए, लगातार कहा जाए, कई बार कहा जाए, तो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद लगने लगता है कि यही सच है। ऐसा ही होता है, ये विदेशी कंपनियां विज्ञापनों के माध्यम से बहुत बड़ा झूठ रोज बोलती हैं, बार बार बोलती हैं, लगातार बोलती हैं, और उस झूठ को सुनते 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 छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक के दिमाग में यही बैठ जाता है कि शायद यही सच है। हालांकि वो सच नहीं होता, वो झूठी होता है, और उसी झूठ के भ्रम, उसी झूठ की बेवकूफी में हम अपनी जेब कटवाते हैं और देश के हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति देश के बाहर इन विदेशी कंपनियों का सामान खरीद कर भिजवाते हैं। कि विदेशी कंपनियां इस देश में क्वालिटी देती हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, ना तो कोई क्वालिटी देती है ना टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। और सच्चाई इसके ठीक उल्टी है कि जहां भी हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है तब तब हमको विदेशी कंपनियां मना कर देती हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार को एक बार क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, अमेरिका की तमाम कंपनियों से उसके समझौते करने की कोशिश की गई, अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया कि वो क्रायोजेनिक इंजन की कोई टेक्नोलॉजी भारत सरकार को नहीं देगा। भारत सरकार निराशा में आकर फिर सोवियत संघ के पास गई, और सोवियत संघ की एक एजेंसी है ग्लोब कॉस्मोस, उसके साथ भारत सरकार का समझौता हुआ, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी रूस से मिलने का तैयारी और वायदा किया रूस की सरकार ने, और वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने बहुत सस्ते में इंजन देने का हमसे समझौता किया। लेकिन जैसे ही ये टेक्नोलॉजी रूस से मिलने की तैयारी शुरू हुई तो अमेरिका की कंपनियों ने और अमेरिका की सरकार ने भारत पर दबाव डालना शुरू किया कि हम रूस से वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ना लें। पहले भारत सरकार जब अमेरिका से वो मांग रही थी तो अमेरिका ने दिया नहीं, फिर हम जब रूस से वो लेने की कोशिश करने लगे और रूस से वो टेक्नोलॉजी हमको मिलने वाली है तो अमेरिका की सरकार ने उसमें अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह से सुपर कंप्यूटर के बारे में कहा जा सकता है, अमेरिका की सरकार ने और अमेरिका की किसी भी कंपनी ने हमको सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, और हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके इस देश में सुपर कंप्यूटर तैयार किया। जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम नाम का इस देश में बना वो इसी देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जितनी टेक्नोलॉजी इस देश में विकसित हो रही है वो सबकी सब इस देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा का प्रमाण है। इस देश के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी पैदा करने में, जो सच में टेक्नोलॉजी है, वहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि वास्तविक टेक्नोलॉजी कभी कोई विदेशी कंपनी देती नहीं है और कभी कोई देश दूसरे देश को अपनी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता नहीं है। इसलिए इस भ्रम से हमको बाहर निकल आना चाहिए कि विदेशी कंपनियां हमको टेक्नोलॉजी देती हैं या क्वालिटी देती हैं। आज हम फिर से विदेशी कंपनियों की गुलामी में फंस रहे हैं। पहले तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी थी, लेकिन आज 4000 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियों की गुलामी है। अंग्रेजों के जमाने में तो हम मात्र शारीरिक रूप से ही गुलाम थे, लेकिन आज हम मानसिक गुलामी में फंसते जा रहे हैं। आज की इस नई गुलामी से बाहर निकलना ही होगा।
इस नई गुलामी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, स्वदेशी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से बाहर देश को निकालने के लिए सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इस स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से गांव-गांव और शहर-शहर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी। लोग अंग्रेजी कंपनियों के बने हुए माल का बहिष्कार करते थे। ये स्वदेशी आंदोलन देश के लोगों की चेतना में इतना गहरा उतर गया था कि महिलाएं, बच्चे, युवा विद्यार्थी सब इस आंदोलन में कूद पड़े। जिन दुकानों पर विदेशी सामान बिकता था, उन दुकानों पर महिलाएं तथा बच्चे सत्याग्रह करते थे। नौजवान उन दुकानों के सामने खड़े होते थे। उन दुकानों पर जो भी व्यक्ति विदेशी कंपनी का अंग्रेजी सामान खरीदने जाता था, उसको आग्रह पूर्वक मना करते थे। इसके बावजूद अगर वो व्यक्ति सामान खरीद लेता था, तो सत्याग्रही नौजवान उस व्यक्ति से सामान को दोबारा खरीद कर उसकी होली जला देते थे। इतने गहरे आग्रह के साथ ये स्वदेशी आंदोलन देश में शुरू हुआ था। स्वदेशी का आग्रह इतना तीव्र था कि लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड से बनकर चीनी आती थी उस समय में। बंगाल के बहुत से मिठाई बनाने वालों ने चीनी से मिठाई बनाना बंद कर दिया था। हजामत बनाने वाले नाइयों ने अंग्रेजी ब्लेड से हजामत बनाना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय के सारे ब्लेड इंग्लैंड से आते थे। पंडित और पुरोहित ऐसे विवाह करने से इनकार कर देते थे जिन विवाहों में वर और वधु विदेशी कपड़े पहने होते थे। बहुत सारे घरों में तो ऐसे नमक का भी बहिष्कार किया गया जो इंग्लैंड से बनकर भारत में बिकने के लिए आता था। इस स्वदेशी आंदोलन ने सारे देश में लोगों को आंदोलित किया। इसी आंदोलन की सफलता के रूप में सन 1911 में अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन वापस लेना पड़ा। इस स्वदेशी आंदोलन की नींव पर ही भारत के स्वाधीनता संग्राम के तमाम आंदोलन चले। दूसरा ऐसा ही एक उदाहरण जापान का दिया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी को तहस नहस कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने पर जापान की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से बर्बाद हो गई। जापान दुनिया का सबसे अधिक कर्जदार देश बन गया। इन हालातों से जापान को बाहर निकालने के लिए स्वदेशी की भावना का जापानी लोगों में प्रचार किया गया। स्वदेशी भावना का आंदोलन चलाने वाले जापानी लोगों में टागुची नाम के व्यक्ति ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1965 के बाद से जापान की तस्वीर बदलने लगी। जो जापान दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार देश हो गया था, वही जापान फिर स्वावलंबी और स्वाभिमानी देश बनकर खड़ा होने लगा। और आज का जो जापान हमारे सामने है, वह वहां के स्वदेशी आंदोलन की सफलता का ही प्रमाण है। जापानी जनता आज भी विदेशी कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करती है। जापान के पास कोई बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संपदा नहीं है, लेकिन जापानी लोगों में जो राष्ट्रनिष्ठा है, देशभक्ति है, आत्मगौरव है, उसी के चलते आज जापान ऐसा बना है। रूस में भी आज स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है। रूस के तो राष्ट्रपति अपनी सरकार के साथ मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था को पिछले 5-7 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पूर्व के सोवियत संघ के एक राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की नीतियों के तहत 90 के दशक में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया। उसी का परिणाम है कि एक समय का शक्तिमान राष्ट्र आज बदहाल देश बन गया है। आज के रूस को इस बर्बादी से बाहर निकालने के लिए रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया है। अमरीका में भी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन चला। इतिहासकार फॉकनर ने अमरीका के स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा है कि अंग्रेजों से अमरीकियों की लड़ाई शुरू होने के पहले अमरीकी लोगों ने अंग्रेजी माल का बहिष्कार शुरू किया। अमरीका में इंग्लैंड का बनाया हुआ ऊनी और सूती कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में बिकता था। इस अंग्रेजी कपड़ों का अमरीका के लोगों ने बहिष्कार किया। बड़ी संख्या में अमरीका के लोगों ने संकल्प लिया कि वे भेड़ों का मांस नहीं खाएंगे। जो कसाई भेड़ों का मांस बेचेंगे, उनसे मांस नहीं खरीदेंगे, जिससे कि अमरीका में ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए भेड़ों को बचाया जा सके। अमरीका के घरेलू व्यवसाय में लगी हुई महिलाओं ने कपड़े बनाने का काम शुरू किया। अमरीका के धनी से धनी लोग घर का बनाया हुआ कपड़ा पहनने लगे। अमरीकी लोगों ने मोटा खद्दर पहनना शुरू किया और अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया। इसी स्वदेशी आंदोलन को अमरीकियों ने बाद में हथियारबंद लड़ाई के साथ जोड़ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अमरीकी जनता की विजय हुई और उसके बाद अमरीका आज जो कुछ भी है, वह हम सभी के सामने है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब भी कोई राष्ट्र गंभीर आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक संकट में फंस जाता है, तो देश की जनता को उसमें से बाहर निकलने के लिए
स्वदेशी के ही रास्ते पर चलना पड़ता है। 1905 में भारत के लोगों के अभिक्रम से जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसे आज फिर से करना होगा। इसके लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करना होगा और संकल्प लेना होगा कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही उपयोग करें। इस राष्ट्र के नए निर्माण के लिए अपनी संस्कृति और अपनी भाषाओं पर गर्व करना होगा। अपने मूल्य और अपनी धरोहरों का सम्मान करें, स्वदेशी पर आधारित जीवन शैली विकसित करें। अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहरों में स्वदेशी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करें और विदेशी कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। बहिष्कार वह डायनामाइट है जो बड़े से बड़े गुलामी के पहाड़ों को तोड़ देता है। आजादी बचाओ आंदोलन पिछले 8 वर्षों से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहिष्कार की मुहिम चला रहा है। आजादी बचाओ आंदोलन देश में नई आजादी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।